आम आदमी पार्टी की तैयारियों की खबर के साथ, क्योंकि मिशन 2024 हर पार्टी के लिए काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण है। इसीलिए आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक आज होने वाली है, जिसमें देश भर के जनप्रतिनिधि और कई बड़े नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं वो शामिल होंगे। अब से थोड़ी ही देर बाद इस बैठक को मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं वो संबोधित करने वाले हैं। तो मिशन 2024 की तैयारी आम आदमी पार्टी की ओर से हो रही है। राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, इसमें चाहे दिल्ली के जितने विधायक हों, नवनिर्वाचित अभी 134 जो पार्षद चुनकर आए हैं वो हो, या जिन निर्दलियों ने नगर निगम में आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है वो हो, या फिर चंडीगढ़ के और गुजरात के वो पार्षद जो आम आदमी पार्टी की सीट से जीत कर आए हैं। आम आदमी पार्टी के देश भर में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सभी नेता इस बैठक में शामिल होंगे। मेरे सहयोगी बलराम पांडे मेरे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, मिशन 2024 की तैयारी में अब आम आदमी पार्टी भी जुट गई है, पहले बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस, और अब आम आदमी पार्टी भी कमर कस रही है। लगता है कि न केवल हरियाणा बल्कि लोकसभा चुनावों में अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार बनाने की पूरी कोशिश आम आदमी पार्टी की ओर से इस बार हो रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से गुजरात में 13% वोट आम आदमी पार्टी को मिले हैं, उसके बाद पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। इसके बाद सबसे पहले पार्टी ने संगठन के विस्तार के लिए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री के तौर पर संदीप पाठक को नियुक्त किया जी। और जब राष्ट्रीय पार्टी को दर्जा मिला तो उसके बाद ये पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल शामिल है। साथ ही जो मंत्री हैं, जो बड़े नेता हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सदस्य हैं, वो सभी इस बैठक में शामिल हैं। और इस बैठक में 2024 के चुनाव को लेकर के मंथन और चिंतन हो रहा है, साथ ही पार्टी को किस तरीके से देश के कोने कोने में विस्तार किया जाए उसको लेकर के भी चर्चा हो रही है। और साथ ही 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है, तो उन 9 राज्यों में पार्टी किस तरीके से अपना विस्तार करेगी और किस तरीके से चुनाव मैदान में उतरेगी इसको लेकर के भी इस बैठक में चर्चा हो रही है। और ये है कि किस तरीके से हम आगे की रणनीति और आगे की रूपरेखा तय करेंगे। बलराम, ये जो चुनाव हुए अभी, चाहे हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो या फिर गुजरात का चुनाव हो, इसके बाद एक जो अच्छी बात है वो ये कि ठीक है, आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई। लेकिन अगर चुनावी नतीजों पर आप नजर डालेंगे तो पाएंगे कि न तो हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का जादू चला और न ही गुजरात में। दोनों ही राज्यों में ऐसे कई आम आदमी पार्टी के नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, जिनकी जमानत ही जब्त हो गई। तो क्या आम आदमी पार्टी को लगता है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में अब भी है राष्ट्रीय पार्टी बन जाने से? ऐसे तो राष्ट्रीय पार्टी एनसीपी भी है, लेकिन महाराष्ट्र के बाहर एनसीपी का वर्चस्व इतना नहीं है। तो ऐसे ही आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, दिल्ली में खूब वर्चस्व, लेकिन क्या 2024 के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है? 2023 के उन 9 राज्यों के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है? देखिए हार्दिक, अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो महज 10 साल पहले इस पार्टी का गठन हुआ और जिस तरीके से पार्टी ने अपना विस्तार किया है उसने सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया है। क्योंकि आप देखिए, दिल्ली में पार्टी ने लगातार अपनी सरकार बनाई, इसके अलावा उसने पंजाब में अपनी सरकार बनाई, दिल्ली एमसीडी में जहां भारतीय जनता पार्टी काबिज थी वहां पर भी अपनी सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत से जीत के आई है। इसके अलावा जिसे गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात को बीजेपी का अभेद्य किला माना जाता है, लेकिन वहां पर भी 13% मतों को लेकर के आना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक, हालांकि बलराम, गुजरात के नतीजों ने यह तो साबित कर दिया कि वाकई वो बीजेपी का अभेद्य किला है। बीजेपी को जिस तरह से इस बार बहुमत मिला है वो दर्शाता है कि गुजरात में तो बीजेपी का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है हर बार कि पंजाब चुनावों का असर होता है, लेकिन पंजाब की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार का कोई असर हिमाचल के चुनाव में इस बार देखने को नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बैठक से जुड़ी कोई और अपडेट होगी तो आपसे फिर जुड़ेंगे।